अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टमाटर की दाल। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। प्रेशर कुकर में तुअर की दाल ऐड कर लेंगे। ये है 250 ग्राम तुअर की दाल। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, और यह है 1 किलो टमाटर और 6 हरी मिर्च। तो टमाटर को हम इस तरह से काट कर रख लेंगे। हरी मिर्च और टमाटर अब हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। दो ग्लास पानी ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑन करके इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे 4 से 5 सीटी होने तक मीडियम हीट पे। चार से पांच सीटी हो जाने के बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लेंगे। अब ये दाल अच्छे से गल गई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, करी पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च, नमक ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर ले सकते हैं। अब हम इसको मैश कर लेंगे। अब ये दाल अच्छे से मैश हो गई। तो अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधी ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले सकते। अच्छे से मिला लेंगे और अब हम फिर से फ्लेम ऑन करके इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे। और 5 मिनट तक इसको पका लेने के बाद में अब हम फ्लेम ऑफ़ कर लेंगे। ये दाल पक गई। दाल पक जाने के बाद में अब हम इसको बघार लेंगे। दाल को बघारने के लिए अब हम पैन को गरम कर लेंगे और इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। और बघार के लिए लेंगे हम राई, ज़ीरा, करी पत्ता, लहसुन और लाल सूखी मिर्च। तो सबसे पहले हम लहसुन ऐड कर लेंगे। अब राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे। करी पत्ता और लाल सूखी मिर्च भी ऐड कर लेंगे और इसके बाद में अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब ये बघार बिल्कुल रेडी है। दाल को बघार लेंगे अब हम। अब ये टमाटर की दाल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ में, प्लेन राइस के साथ में भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। क्विक और आसान रेसिपी है। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। Thanks for watching. Allah Hafiz.